जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। एक पल के लिए तो लगा था कि सब खत्म हो गया। एक अधिपति और एक योद्धा की मां तो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन एक बेटे की मां, तुम्हें वो खतरनाक खेल खेलते देख और डर गई थी, और तुमने जब मुझसे जहर, क्षमा कर दे मां, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि जहर को निष्फल करने की औषधि मैंने ले ली है। वो क्या है कि चाचा के आदमी चारों ओर थे, हर किसी को भी कानों कान खबर हो जाती ना, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। बस अब इन आंसुओं की और जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। पंथरा देवी ने भी तुम्हारे कुशल मंगल के लिए बहुत प्रार्थना की है। आप सबकी प्रार्थनाओं का असर है कि मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। रोड़ंग सुरक्षित है। बस तो अब जमाई जी राधा को भी वापस बुला लीजिए, उसे अब यहाँ कोई डर नहीं, उसे अपने घर बुला लीजिए। यहाँ हम सब साथ हैं, लेकिन वो वहां अकेली है। मैं राधा के वापस लौटने की तैयारी करवाता हूँ। अरे हाँ, कल्याणी नहीं दिख रही, आपने देखा? अरे हाँ, मैं देख क्या नहीं, आप आराम कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। दुश्मन ने हमसे हार मान ली, लेकिन शायद आपकी तलवार ने अब भी नहीं। आपका मतलब है आपसे हार मान ली दुश्मन ने? कल्याणी नाराज है हमसे, शायद इसलिए कि उसे पूरी योजना बताई नहीं थी मैंने। कल्याणी बात ये थी कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है बख्शी जी, जरूर कोई कारण रहा होगा, लेकिन कम से कम आप मुझे इतना तो बता ही सकते थे कि आप भीम चाचा के साथ इतना खतरनाक खेल खेलने वाले हैं। आपकी जान भी जा सकती थी। आप जहर को बेअसर करने वाली औषधि ले सकते थे, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं बता सकते थे। अगर मैं आपसे उस समय कह देता तो क्या आप मुझे खेलने देते? नहीं, कोई और तरीका निकाल सकते थे हम। क्यों नहीं समझ पा रही है? चाचा जी को मात देने का यही तरीका था। आप उस समय समझ नहीं पाते हो, शायद गुस्से में अब भी समझ नहीं पा रही है। कल्याणी सार के कुछ हो जाता तो दिखाओ। वही तो मैं कह रही हूं ना बख्शी जी, आपको कुछ हो जाता तो। एक योद्धा हो के तुम इतनी सी बात नहीं समझती हो कल्याणी। अपनों की रक्षा के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, बहुत छोटी सी बात है, मामूली बात है। खतरा जो है हर पल बना रहता है कल्याणी, ऐसे में कई बार खुद से, मतलब खुद तक ही बातें सीमित रखनी पड़ती है, और कई बार दूसरों से छिपाकर। दूसरों से छिपाकर ना बख्शी जी? हाँ, अपनों से नहीं। ये बात मुझसे छिपाकर आपने तो मुझे पराया ही कर दिया।
संकल्प। जगबंधु और कल्याणी को अच्छी तरह से भोजन परोसना। कितने दिनों से अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया होगा दोनों ने। क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा जगबंधु? नहीं, अच्छा है। आओ कल्याणी, तुम भी यही बैठकर भोजन करो जगबंधु के पास। अच्छा जी माँ। कैसे कहूं कल्याणी कि जब तुम हर लड़ाई में शामिल हो, मेरी जिंदगी में शामिल हो, तो तुम पर भरोसा ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर तुमसे जो छुपाया वो इसलिए कि तुम पर कोई आंच ना आए। कैसे कहूं बख्शी जी कि आपको खो देने का ख्याल कितना तोड़ गया था मुझे, और आपसे नाराज हूं वो इसलिए क्योंकि जो प्यार करता है वो नाराजगी का पूरा हक रखता है। क्या हुआ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरा लगता है माँ बख्शी जी के मन में कुछ। मेरा मतलब है गले में कुछ अटक गया है। मेरा पेट भर गया, भूख नहीं है मुझे, कुछ बातों से ही पेट भर गया। आप कहीं मत जाइए बख्शी जी, मैं ही चली जाती हूँ। ये संदेश जाके राधा को दे देना और कहना कि वापस आने की तैयारी कर ले। ये भी कहना कि जमाई जी वापस आ गए हैं और यहाँ पूरी सुरक्षा है। ठीक है, जाओ जी। काफी जल्दबाजी में बुला रहे हैं ओप्पा को यहाँ, क्यों? इस बात का डर है आपको? डरी हुई और बेसहारा तो तुम थी अम्बा, जब तुम्हें और गदाधर को तुम्हारे प्यारे भीम चाचा ने धोखा दे दिया। इसीलिए तो कल्याणी तक की मदद करनी पड़ी तुम्हें, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन ये सोचने की जल्दबाजी मत करना कि तुम इस घर में वापस पहले की तरह आराम से रह सकती हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि खुद ही यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। मैं तो चली जाऊंगी पंथरा जी, और किसी भी तरह यहाँ वापस आने का रास्ता भी निकाल लूंगी, पर
आप अभी से ओप्पा के साथ सेविकाओं के कक्ष में रहने की तैयारी शुरू कर लीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच है जो अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। जगबंधु जी और कल्याणी एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि ओप्पा से उनके बक्सी जी के दूर होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। और अगर एक बार ओप्पा यहाँ से बाहर, तो फिर आपका यहाँ क्या काम है ना? जो सबने देखा वो आपने भी देखा, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर दिया आपने। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं जमाई जी के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगता है जमाई जी को कल्याणी से प्रेम हो गया है। अंतरा देवी, जगबंधु और कल्याणी रोडंग के सुरक्षा के लिए इस लड़ाई में एक साथ रहे हैं। बहुत मुश्किलें भी उन्होंने एक साथ झेली है। ऐसे में एक दूसरे के लिए आदर भाव के साथ साथ दोस्ती का रिश्ता बन जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच प्रेम जैसा कुछ है। आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती समधन जी। अगर आपको सच में लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो आप ही बताइए। जमाई जी के जान चले जाने का एहसास होने पर कल्याणी के रो रो के बुरे हाल क्यों थे? वो तो हाँ, मैं जानती हूँ कि आप यही कहेंगी कि चाहे जो भी हो, कल्याणी जमाई जी की पत्नी है इसीलिए दुखी थी। लेकिन समधन जी, उस समय वो फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो एक संधि के नाम पे आई हुई पत्नी और प्रेम में डूबी हुई पत्नी में होता है। जब जब मैंने ये सवाल उठाए, आपने अपने विश्वास का हवाला दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बात याद रखिएगा समधन जी, जमाई जी और कल्याणी के बीच जो भी पनप रहा है, अगर उसके बारे में राधा को कुछ पता चला और उसे कोई भी तकलीफ पहुंची, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।